एक बच्चे की कौतूहलता बताई गई है जो अपने माँ से हट करता है कि माँ अभी अभी तो धूप थी अब पानी कहाँ से बरसने लगता है और किसने बादल के घड़े को फोड़ दिया है, इतनी बड़ी हरकत या शैतानी किस कौन सा बच्चा कर दिया है और किसके काका में बादल जो जोर जोर से गरज रहे हैं दहाड़ रहे हैं, किसने अपनी माँ का कहना नहीं माना है। और कहते हैं सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है, क्या उसकी माँ ने कहा कि बुला लिया तू आ जा। और अभी बोलता है कि माँ बिजली के घर कितनी तलवारें चलती हैं और कब से कितनी तलवारें हैं तरह तरह करके लहरा रही हैं चल रही हैं और उसके बच्चों को अभी तक चलाना नहीं सीखा या बच्चों को चलाना मुझे नहीं आया, अगर माँ तो मुझे एक बार बिजली के घर जाने दे और मैं उसके बच्चों को तलवार सिखा दूँगा अच्छी तरह से और वो खुश हो करके मुझे तोहफा दे देगी और क्या देगी उसमें एक चमकती हुई ढाल और मैं अपने घर ले आऊँगा, फिर कभी भी कोई दिक्कत अपने घर पे नहीं आएगी, ना कोई अत्याचार कर पाएगा अपने घर पे, ना पुलिस मैं ना करके कभी पुलिस के हाथ में आएगा, अपने काका को भी नहीं पकड़ पाएगा, ना काका कभी जेल खाना जाएंगे। बोलता है अगर माँ तू काका को बचाना चाहती है तो मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो और चमकती हुई तलवार लाने दो। कितनी कौतूहलता माँ बच्चे के मन से सुनती है तो माँ अपने बच्चे को बाल बोलती है कि तू चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए चमकती हुई ढाल ला दूँगी और तू तेरे काका कभी जेल खाना नहीं जाएंगे और तू जो है अब बिजली के घर जाने का विचार मत करना। इस कविता में ऐसे इसका भावार्थ संक्षेप में बता दिया है मैंने और अब तुम्हें इसका प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ, ध्यान देना स्टूडेंट, इसका प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में भी लिखना है कि अपने घर का दरवाज़ा किसने बंद कर लिया है। मैंने कविता में बताया है क्या सूरज ने बंद कर लिया है अपने घर का दरवाज़ा और उसकी माँ ने कहा कि तू भी अंदर आ जा, तो अपने घर का दरवाज़ा सूरज ने बंद कर लिया था। बादल को किस नाम से बुलाया जाता है, अभी मैंने बताया कि बादल को किसके काका है, तो बादल को काका के नाम से बुलाया जाता है। किसके बच्चे तलवार चलाना नहीं सीख पाए, अभी बता रहे थे बिजली के बच्चे, बच्चा कहता है कि मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो और तलवार सिखला चलाना सिखला करके आने दो, बिजली के बच्चे तलवार चलाना नहीं सीख पाए। अपने ऊपर अत्याचार कब कोई कर नहीं कर पाएगा, बच्चा कहता है कि अपने ऊपर अत्याचार कब कोई नहीं कर पाएगा जब अपने पास चमकती हुई ढाल या तलवार रहेगी। माँ बच्चे को कौन सा विचार छोड़ने की बात करती है, तो कहती है कि मैं तेरे लिए चमकती हुई ढाल मंगा दूंगी तलवार मंगा दूंगी और तुझे चलाना सिखा दूंगी, अब तू बिजली के घर जाने का कभी विचार नहीं करना, अपने मन से विचार निकाल दो। बिजली के घर जाने का विचार छोड़ने की बात माँ बच्चे से करती है। ये देखो ये कविता मैंने कविता का प्रश्नोत्तर पूरा करा दिया है, इसका भावार्थ मैंने शेड्यूल बनाया है, उसके पहले मैंने इसको उलह से पढ़ना बताया है। आप स्टूडेंट जो भी उलहेगा नहीं समझ में आएगा उसको मैं आप क्लास में जब भी चालू होगा मैं बताऊँगी और इसको ध्यान से पढ़ना लिखना और याद करना और जो भी नहीं समझ में आएगा उसे फिर वापस मैं क्लास में समझाऊंगी। अब कविता